आज हम इस वीडियो में बेसिक जानेंगे कैंडल का कि कैंडल क्या होता है, कैसे बनता है, टाइम फ्रेम चेंज करने पर वो कैंडल कैसे बनता है और इसका चार्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए तो है ही क्योंकि बेसिक से सारा कुछ जानेंगे और आपके लिए भी है क्योंकि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लिए हैं, चार्ट पैटर्न सीख लिए हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिए हैं और चार्ट को रीड करना चाहते हैं तो आपको चार्ट रीड करने में बहुत मदद मिलेगी कि जब आप चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम पर करेंगे तो वो कैंडल कैसे फॉर्म होगा, 5 मिनट पर करेंगे तो कैसे फॉर्म होगा, 10 मिनट पर या 30 मिनट पर करेंगे तो कैसे वो फॉर्म होगा कैंडल, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे, वो भी बेसिक से। तो अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ अभी आपको स्क्रीन पर ब्लैक कलर की कैंडल दिख रही होगी, अगर इसको आप समझ लेते हैं तो मार्केट में जो ग्रीन और रेड कैंडल बनती है उसको समझना आसान हो जाएगा और वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये जो ब्लैक कलर की कैंडल है इसका ये वाला जो पार्ट है इसे हम बॉडी कहते हैं और ऊपर में जो आपको डंडी दिख रही है पतली सी उसे हम शैडो बोलते हैं और ये डंडी ऊपर की तरफ है इसलिए हम इसे अपर शैडो बोलते हैं और जो नीचे में पतली सी डंडी दिख रही है उसे हम शैडो बोलते हैं और यह नीचे की तरफ है इसलिए हम इसे लोअर शैडो बोलते हैं और ये जो है इसका हाई है और ये इसका लो है। अब देखिए ग्रीन कैंडल का ये वाला जो पार्ट है इसे हम बॉडी कहते हैं और जो ऊपर की साइड जो आपको पतली सी डंडी दिख रही है उसे हम अपर शैडो बोलते हैं और नीचे के साइड जो पतली सी डंडी दिख रही है इसे हम लोअर शैडो बोलते हैं और इसका हाई ये है और लो ये है। इसमें ओपन नीचे की तरफ होता है और क्लोज ऊपर की तरफ होता है। अब देखिए रेड कैंडल, ये वाला जो पार्ट है रेड कैंडल का इसे हम बॉडी बोलते हैं, ये सेम है। इसका जो ऊपर साइड पतली सी डंडी है उसे हम अपर शैडो बोलते हैं और जो नीचे की तरफ पतली सी डंडी है इसे हम लोअर शैडो बोलते हैं। इसका हाई ये है और लो ये है। इसका ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे की तरफ होता है। ग्रीन कैंडल जो देखे थे वो नीचे की तरफ ओपन होता है और ऊपर की तरफ क्लोज होता है, बस यही दो अलग होते हैं। अभी जब ये दोनों कैंडल को देखेंगे एक साथ तब आपको समझ आएगा। अभी देखिए इसमें आपको रेड और ग्रीन दोनों कैंडल दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो इसका जो दोनों का ये वाला जो पार्ट है इसे हम बॉडी बोलते हैं और दोनों में जो ऊपर के साइड पतली सी डंडी निकली है उसे हम अपर शैडो बोलते हैं और जो नीचे की तरफ पतली सी डंडी निकली हुई है इसे हम लोअर शैडो बोलते हैं और ये दोनों का हाई ये है और ये दोनों का लो ये है। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है। रेड कैंडल ऊपर से ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। केवल दोनों में जो अलग है वो ओपन और क्लोज अलग है। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है इसलिए हम इसे बुलिश कैंडल बोलते हैं और रेड कैंडल जो है वो ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है इसलिए हम इसे बेयरिश कैंडल बोलते हैं। आगे जब आप समझेंगे तो और भी अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो और भी अच्छा है, आप इसे पॉज कर करके आप नोट्स तैयार कर सकते हैं ताकि आप प्रैक्टिस भी इसे करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी बेटर तरीके से इसको सीख सकते हैं। तो अभी तक तो आप ओपन क्लोज लो हाई अपर शैडो लोअर शैडो वो सारा कुछ आप समझ लिए हैं। तो अभी देखते हैं इस 5 मिनट के कैंडल को, जैसे इसका जो हाई है ये है, लो इसका ये है, अपर शैडो ये है और लोअर शैडो ये है। ये इसका जो ये वाला जो पार्ट है इसका यह बॉडी है। तो ये कैंडल 5 मिनट में बना कैसे, जैसे यहाँ हमारा प्राइस जो है वो 20 रुपये पर ओपन हुआ, 20 रुपये पर ओपन हुआ, वो घूमते घूमते नीचे की तरफ गया,
नीचे गया, लो लगाया वो अपना 10 रुपए पर। 10 रुपए पर लो लगाने के बाद वो फिर से ऊपर की तरफ गया। ऊपर जाने के बाद वो जो हाई लगाया वो लगाया 40 रुपए पर। 40 रुपए पर हाई लगाने के बाद वो नीचे आया और क्लोज दिया 30 रुपए पर। तो जब वो 30 रुपए पर क्लोज दिया तो आप बताइए कि ये हमारा कौन सा कलर का कैंडल बनेगा, ग्रीन बनेगा या रेड बनेगा? ग्रीन बनेगा। ग्रीन क्यों बनेगा? क्योंकि 20 रुपए पर ये ओपन हुआ और ऊपर जाकर क्लोज हुआ है 30 रुपए पर, और इसका जो लो है वो 10 रुपया है और हाई जो है वो 40 रुपया है। तो ये हमारा बुलिश कैंडल बनेगा। अब देखते हैं दो कैंडल को एक साथ कंबाइंड करके। जैसे 5 मिनट पर दो कैंडल बना, एक ग्रीन और एक इसके बाद रेड बना, तो ये 10 मिनट का जब हम चार्ट करेंगे तो ये दोनों कैंडल एक साथ मिलकर 10 मिनट पर कैसा दिखाई देगा आपको? अब दोनों कैंडल को जब हम कंबाइंड करके 10 मिनट पर देखेंगे तो कैसे हम इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ग्रीन कैंडल का जो लो है और रेड कैंडल का जो लो है, वो दोनों में हम देखेंगे कि किसका लो नीचे है। तो यहाँ आप देखिए ग्रीन कैंडल का जो लो है वो हमारा नीचे है, तो हम ग्रीन कैंडल का लो लेंगे। अब हमें एक हाई चाहिए, तो हाई जो है ग्रीन कैंडल का ये है और रेड कैंडल का ये है। तो हाई देखिए ग्रीन कैंडल से ऊपर कैंडल जो है रेड कैंडल, वो उसका हाई ऊपर है, तो रेड कैंडल का हम हाई लेंगे। अब दोनों का तो हाई और लो हम ले लिए हैं। अब जो है ओपन और हमारे क्लोज चाहिए, तो जो ग्रीन कैंडल है वो नीचे की तरफ ओपन हुआ है, तो हम ओपन ग्रीन कैंडल का लेंगे। अगर जो रेड कैंडल है वो अगर पहले बना होता, उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बना होता तो हम ग्रीन कैंडल का ओपन लेते। तो हमारा ग्रीन कैंडल पहले है तो हम अभी अभी भी ग्रीन कैंडल का ही ओपन लेंगे। अगर ऊपर भी रहता तो हम ग्रीन कैंडल का ही ओपन लेते। तो ग्रीन कैंडल का हम ओपन यहाँ ले लिए, और इसके बाद जो रेड कैंडल है उसका हम क्लोज लेंगे। दोनों का ओपन और क्लोज ले लिए। तो 10 मिनट पर जब हम दोनों कैंडल को कंबाइंड किए तो हमें एक हैमर मिल गया, बुलिश हैमर। जो हम पहले सीखे थे बुलिश हैमर, उसी को हम दो कैंडल को कंबाइंड करके देखे तो हमें एक हैमर मिला। आप इसे जब प्रैक्टिस करेंगे चार्ट को ओपन करके, और ओपन करने के बाद आप कॉपी पर बना बनाकर जब देखेंगे कि हमारा कौन सा कैंडल बन रहा है, तो आप और भी बेटर तरीके से इसको सीखते जाएंगे और चार्ट को भी अच्छे तरीके से रीड करते जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं तीन कैंडल को एक साथ कंबाइंड करके। यहाँ हमारा तीन कैंडल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अब ये तीन कैंडल है तो हम कैसे तीनों को कंबाइंड करेंगे 15 मिनट बाद, तो ये हमारा कौन सा कैंडल मिलेगा? तो उसको फिर चेक करने के लिए हम सबसे लो लेंगे कि इन तीनों में जो है सबसे लो किसका लो है, तो उसका हम लो लेंगे। तो यहाँ ग्रीन कैंडल जो फर्स्ट वाला है उसका हम लो लेंगे, क्योंकि इसी का लो जो है वो सबसे नीचे है, और तीनों कैंडल में जिसका हाई सबसे ऊपर है उसका हम हाई लेंगे। तो इन तीनों कैंडल में जो थर्ड कैंडल बना है ग्रीन कैंडल, उसका हम हाई लेंगे। अब हमें चाहिए ओपन और क्लोज। तो ओपन जो है वो ग्रीन कैंडल का, अगर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला ग्रीन कैंडल है उसका ओपन जो है वो नीचे है, तो इसका हम ओपन लेंगे। क्लोज अब हमें चाहिए, तो फर्स्ट कैंडल का अगर हम क्लोज लेते हैं तो वो तो हमारा क्लोज सही नहीं होगा। सेकंड कैंडल का भी अगर क्लोज लेते हैं तो वो क्लोज हमारा सही नहीं होगा। हमें क्लोज चाहिए थर्ड कैंडल का। जो तीसरा कैंडल है उसके क्लोज के हिसाब से हम क्लोज अपना देखेंगे। तो जो तीसरा कैंडल है उसका क्लोज ऊपर की तरफ है और वो ग्रीन कैंडल है, तो उसी का क्लोज हम लेंगे। तो जब हम इसका क्लोज लेते हैं तो ये हमारा कौन सा कैंडल बनेगा? बुलिश कैंडल बनेगा, क्योंकि इसका ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर की तरफ है। तो ये जब हम तीनों को कंबाइंड किए तो यहाँ हमें एक बुलिश कैंडल मिला ग्रीन कलर का। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो इसमें हमने इतना सारा कुछ बेसिक जो है वो कवर किया, और इसका सेकंड पार्ट
भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, जिसमें हम लाइव चैट देखेंगे कि कैसे जो है 5 मिनट पर कैंडल बनता है और 10 मिनट पर उसे कंबाइंड करके वो हमारा कैसे कैंडल बनता है उसको हम सीखेंगे लाइव चैट में। तो उसके लिए आपको कमेंट करना है एक अच्छा सा और अपना राय देना है कि क्या इसका सेकंड पार्ट आना चाहिए। तो इस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप उस वीडियो को वॉच करें।